हेलो फ्रेंड, दिस इज रिया एंड वेलकम टू माय चैनल। तो क्या फ्रेंड, विंटर सीजन में आपको भी ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जैसे कि जब आप अपने लिप्स में कोई सी भी लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई कर रहे होते हैं तो वो आपके लिप लाइन के बाहर लग जाती है और जिसकी वजह से आपका पूरा मेकअप ही खराब हो जाता है। एंड सेकेंड, लिक्विड लिपस्टिक को रिमूव करने के बाद हमारे जो लिप्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि ये लिपस्टिक में ही कोई प्रॉब्लम होगी। तो फ्रेंड्स, लिपस्टिक लगाते टाइम अगर आपको भी ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ लिपस्टिक हैक शेयर करूँगी जिससे आपकी ये वाली प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, अब विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड टू वीडियो। तो हैक नंबर वन आता है स्क्रबिंग। तो मैं यहाँ पे जो स्क्रब यूज़ कर रही हूँ होममेड स्क्रब है और इस स्क्रब को मैंने खुद से ही बनाया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको जानना है कि स्क्रब मैंने कैसे बनाया है तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब स्क्रबिंग की वजह से मैं अपने लिप्स को एक्सफोलिएट करूँगी। अभी एक्सफोलिएट क्या होता है फ्रेंड्स? एक्सफोलिएट होता है कि आपके लिप्स में जब डेड स्किन जमा हो जाती है और उन डेड स्किन को जब आप रिमूव करते हैं तो उन्हीं को हम एक्सफोलिएट बोलते हैं। अब हैक नंबर टू आता है मॉइस्चराइजिंग। तो यहाँ पे मैं अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए वैसलीन यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो लिप बाम भी यूज़ कर सकते हैं। हैक नंबर थ्री में आपको अपनी लिप्स में कंसीलर अप्लाई करना है एंड देन ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लेना है। हैक नंबर फोर, अब आपको लिप लाइनर की हेल्प से एक आउटलाइन ड्रॉ कर लेनी है एंड देन आपको लिप लाइनर की हेल्प से अपने लिप्स के कॉर्नर को आप कोई सी भी लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई कर सकते हैं। आपका मेकअप भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने लिप लाइनर की हेल्प से जो आउटलाइन ड्रॉ की है उसकी हेल्प से मेरी जो लिपस्टिक है ना, मेरी लिप लाइन के बाहर नहीं लगेगी। तो हमारी कोई कोई लिक्विड लिपस्टिक ऐसी होती है जो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं रह पाती। तो फ्रेंड्स, मेरे पास इसका भी सॉल्यूशन है। तो इसके लिए आपको कोई सा भी लूज पाउडर ले लेना है एंड देन उसको आपको अपनी लिप्स में अप्लाई कर लेना है एंड देन उसके बाद अगेन आपको लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई कर लेनी है उसके ऊपर से। तो बस हो गई ना आपकी लिपस्टिक लॉन्ग लास्टिंग। एंड अगर आपको चाहिए कि आपकी लिपस्टिक और अट्रैक्टिव लगे तो आप लिप ग्लॉस यूज़ कर सकते हैं। तो लिप ग्लॉस को मैं सबसे पहले अपनी फिंगर्स में अप्लाई करूँगी एंड देन अपनी लिप्स में अप्लाई कर लूँगी। तो हम बारी आती है लिक्विड लिपस्टिक को रिमूव करने की। तो मैं यहाँ पे लिपस्टिक को रिमूव करने के कोकोनट ऑयल को पहले यूज़ करूँगी एंड देन कॉटन बैट की हेल्प से रिमूव कर दूंगी। इससे फ्रेंड्स क्या होगा, मेरे जो लिप्स हैं ना वो ड्राई नहीं। तो अब मैं यहाँ पे अपने कॉटन बैट में थोड़ा सा मेकअप रिमूवर ऐड करूँगी एंड देन उसकी हेल्प से मैं अपनी लिपस्टिक को रिमूव कर लूँगी। तो यहाँ पे मेरी लिप ड्राई भी नहीं हुई, लिपस्टिक भी रिमूव हो गई। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।